बस या बाकी फिर कभी से कल से For those who are new here, we just want let them know that we have open hours for this meeting every day from 10 to 12 in the morning and 6 to 8 in the evening. So you are welcome to come as much as you can. And the session, those of you wish to share the room. कलाम करते हैं वो अल्लाह इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस वी कॉल हिम गॉड रब खुदा ओम बट हिज ओरिजिनल नेम इन द लैंग्वेज इन व्हिच ही स्पीक्स टू द एंजल्स इज अल्लाह वो जो जिसको सब मानता है ना वो सबसे ज्यादा बेहतर ना उसको एंड द नेम दैट ऑल पीपल बिलीव इन दैट इज हिज ओरिजिनल नेम एंड ऑल पीपल ऑल रिलीजियंस एंड ऑल ह्यूमैनिटी बिलीव्स इन दिस वन नेम इट्स द ओरिजिनल नेम व्हिच हैज बीन सो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम अगर चाहे तो जिक्र ले ले सीख ले किस तरह अल्लाह बोलते हैं सर सर दैट इफ यू वुड लाइक अस टू टीच यू हाउ दिस इज डन हाउ योर हार्ट बीट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सिंपली टेकिंग इनटू वाइब्रेटिंग गॉड्स नेम वी विल टीच यू जी सर सर तो पहले बताया ना कागज के पर अल्लाह लिखे फिर उसको देखते हैं सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट द नेम अल्लाह ऑन अ पीस ऑफ पेपर जस्ट एज इट इज रिटन देयर ऑन द पेपर एंड देन यू मस्ट लुक एट दैट एज मच एज यू कैन ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू योर आईज अगर ये पसंद नहीं है दूसरा तरीका बल बल बता दे सर इफ यू डोंट वांट टू डू इट दिस वे द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज टू राइट द सेम नेम अल्लाह ऑन अ स्मॉल बल्ब इन येलो इंक एंड देन टू हैव दैट इन योर बेडरूम और सम प्लेस वेयर यू कैन लुक एट इट ईच नाइट बिफोर यू स्लीप तो फिर वो आंखों में आएगा इसका आफ्टर फ्यू डेज ऑफ आइदर लुकिंग एट द पेपर और लुकिंग एट द बल्ब यू विल सी इट एक्चुअली अपीयर्स इन योर विजन ट्राई टू ब्रिंग इट ऑनटू योर हार्ट इसका मतलब है कि अब ये अल्लाह का बंदा हो गया जिसका वंस इट अपीयर्स ऑन योर हार्ट यू विल सी इट रिटन दैट मींस देन नाउ यू बिलोंग टू गॉड फिर जब वो दिल पे आएगा ना फिर दिल की धड़कन तेज हो जाएगी वो दिल का तस्बीह सो व्हेन यू सी इट रिटन ऑन योर हार्ट यू विल नोटिस दैट योर हार्ट स्टार्ट्स टू बीट फास्ट टिक 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 पुश टिक टिक के साथ अल्लाह ला मलाए देन विद एवरी ईच एंड एवरी हार्ट बीट यू हैव टू ट्राई टू मैच अल्लाह 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 फिर उसके साथ अल्लाह ला जो है ना वो खून में जाएगा देन वंस अल्लाह ला इज मैच्ड विद द हार्ट बीट and through the pumping action of the heart it will go into the blood to jo kuch cheez khoon mein chali jati hai na par nikalti nahi sir once something goes in the blood it's very difficult to take that thing out fir khoon se hoti hui andar rooh tak pahunch jayegi from the blood stream till then get to the souls inside rooh hi allah la karna shuru kar de they will awaken themselves and start to chant the name just as you do it verbally tum sota rahega kaam kaaj karta rahega wo allah la karta at that point you will sleep and do your daily business and work and they will chant the name of the lord inside कभी कभी हाथ रखे दिल धर के अल्लाह समटाइम्स पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट फीलिंग योर हार्ट बीट विद ईच एंड एवरी बीट से अल्लाह अल्लाह कभी नब्ज पे हाथ रखे समटाइम्स फीलिंग योर पल्स इन योर रिस्ट विद ईच एंड एवरी पल्स अगेन से अल्लाह अल्लाह इमेजिन इट्स गोइंग थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम थ्रू योर हार्ट अगर चाहे कि ये जल्दी कामयाब हो जाए तो उसके लिए कोई वर्जिश करे इफ यू विश दैट यू विल सक्सीड इन दिस ग्रेट स्पीड देन डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या छत से नीचे ऊपर और वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स उससे जब दिल धड़के उस धड़कन के साथ अल्लाह व्हेन यू फील योर हार्ट बीटिंग फास्ट एंड स्टॉप डूइंग दैट
You know, with each and every beat, say Allah, Allah. तो फिर ये मेहनत करेगी ना, फिर अगर अल्लाह ने इसको चाहा तो इसके अंदर से अल्लाह का शुरू हो जाएगा. Then you will make this effort on your behalf. Then if God so wishes for you, He will convert your heart from simply beating into chanting. फिर जब अल्लाह ला होगा ना, तो अल्लाह का नूर इस दिल में इकट्ठा होगा. Then when your heart recites His name at all times, then the light that is created by the continuous commemoration, it will be found in your heart, get collected there. वही लाइट है जिसके जरिए अल्लाह से कनेक्शन होता है. इट इज दैट लाइट थ्रू व्हिच यू आर कनेक्टेड विद गॉड. फिर ये इधर बात करेगा तो उधर जाएगा, इधर प्रे करेगा उधर जाएगा. देन यू विल स्पीक हियर और यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ वर्शिप थ्रू योर हार्ट टू एक्चुअली रीच गॉड. तो इसके लिए जुबान से पढ़े फिर अल्लाह. रिपीट आफ्टर शाह साहब अल्लाह. दिस इज हाउ दे टीच यू हाउ टू रिसाइट अल्लाह. You have to repeat after that. Allah. 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 बस. That's it. वो तो जब लिखेगा पत्र ने रात को लिखेगा, कब लिखेगा? अभी से ही अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा. The writing or the looking at the paper or the bulb, you may start tonight or tomorrow, but what you can do from straight away, just from now, is focus on your heart, think about your heartbeat, and try to match with that Allah, Allah, Allah. फिर भूल जाएगा, फिर ख्याल रखे अल्लाह, फिर भूल जाएगा, फिर ख्याल करे अल्लाह. Many times in a day you will think towards your heart, then you'll forget, then you'll think again. Each time whenever your mind goes towards your heart, try to match with your heartbeat Allah, Allah. पर जिस दिन इसके दिल के साथ अल्लाह मिल गया ना, उस दिन इसको अल्लाह ने मंजूर कर लिया. And that day when your heartbeat actually accepts the name and is converted into chanting the name of the Lord, that day God has accepted you. ये गारंटी है. This is a guarantee. हाँ, फिर तू जैसा भी है पर अल्लाह ताला आस्ता आस्ता खुद ही तुझे बिल्कुल पाक साफ कर देगा. And then whatever your nature is, however you behave or whatever you do, doesn't matter because God will then slowly and surely turn you into the way He wants you to turn you. Well, I've had very little effect on my own life except through my spiritual. तो करीब मेरी ज़िंदगी पर जो भी असर सुख रहा है वो रूहानियत के ज़रिए रहा है, रूहानियत से दिलचस्पी और ये इसी चीज़ को मैंने अपना गाइड बनाया बस. मतलब वो सिर्फ दिलचस्पी है ना, लेकिन रूहानियत तो नहीं है. रूहानियत स्टार्टिंग, ये दिल स्टार्ट होता फिर वही चलती है ना. जिसका शायद सेड दैट द इफेक्ट मे बी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और वन मे बी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिज्म, बट एक्चुअल लिविंग स्पिरिचुअलिज्म इज द हार्ट. दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड इट इज समथिंग प्रैक्टिकल, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल. आई अंडरस्टैंड. फिर जब लाइट आती है उसमें नूर आता है ना, तो फिर रूहानियत है. जिसका व्हेन द लाइट इज क्रिएटेड एंड द लाइट कम्स इनसाइड अ पर्सनस हार्ट, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म. दैट इज समथिंग इज. लेकिन ये भी होता है कि जो लोग इसकी तलाश में होते हैं, इसका मकसद है वो लोग अल्लाह वाले हैं, लेकिन अभी उनको मंजिल मिली नहीं, तलाश कर रहे हैं, वो भी बेहतर लोग हैं. सरकार सेइंग दोस पीपल आर गुड आल्सो, दैट एट लीस्ट इट इंडिकेट्स दैट दे आर पीपल ऑफ गॉड, एट लीस्ट दैट इन देयर लाइफ दे सर्च फॉर स्पिरिचुअलिज्म, दे सर्च फॉर द लव ऑफ गॉड. तो फिर जिनको अल्लाह की तलाश होती है उनको अल्लाह ताला एक दिन मंजिल दे ही देता है. दोस पीपल दैट सीक गॉड, अ डे डज कम देन व्हेन गॉड गिव्स देम देयर स्टेशन, गिव्स देम देयर डिजायर्स. जब कोई उसकी तरफ जाते हैं ना, रास्ता तो दिल से जाते हैं ना, जब दिल से चलता है ना तो 10 कदम उसको और खींचता है ना अपने. When somebody yearns towards God's love and his essence, then God pulls that person towards himself 10 times more, a greater speed. और जब कोई उसकी तरफ पुष्ट करता है तो फिर उसको और किक मारता है ना और पीछे भगाता है. When somebody vice versa turns their back upon God, then he kicks them even more away from his love and his essence. इसके बगैर कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ मखलूकों से रابطہ हो जाता है, एंजल से भी हो जाता है, ऐसी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ मखलूकों से रابطہ होता है, अल्लाह से तो नहीं होता. There are some people that do some sort of recitals and they read things and they have connection with angels and other spiritual creatures and they may even capture them and make use of them, but that's not with God. लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो जाए
तो फिर वो बचा तो नहीं सकती ना इस कारण देन इफ गॉड इज अपसेट विद दैट पर्सन और वन इनवोक्स हिज एंगर एंड दोस स्पिरिचुअल क्रीचर्स ऑफ द एंजल्स कांट सेव दैट पर्सन और इससे जो ना वो अल्लाह से दोस्ती हो जाती है ना बट विद द हार्ट विद दिस मेथड दैट वी हैव टॉट यू वन बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ गॉड अगर वो सारी मखलूक नाराज हो भी जाए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल द स्पिरिचुअल क्रीचर्स द एंजल्स इफ दे टर्न द बैक अगेंस्ट यू and do not favor you but if you have the favor of God then it doesn't matter there is really a hell sorry there is a hell sir puchhe hai ki jahannam hai yes there is agar jahannam na hoti to mazhab hi na hote na so if there wasn't a hell there would be no religions अपनी आजादी से घूमता फिर जवानों की तरह और उसका सबूत ये है ना ये जो जानवर हैं इनके लिए कोई दोज़ख बेशक नहीं the proof of that is first of all that for these animals there is no paradise or hell वो कुछ भी हरकत करें ना वो कर सकते हैं उनके लिए दोज़ख बेशक नहीं the animals can do absolutely whatever they like and there is no hell for them and no paradise for them और यही वजह है कि जितने जानवर हैं ना वो सब की शक्लें एक जैसी हैं but this is the reason that all the animals they don't look alike और ये इंसान जो है ना इसकी हर इंसान की शक्ल मुख्तलिफ है and the human beings every human being it looks different इस वजह से कि फिर जब इसको कहेगा कि तू था वो कहेगा तू था वो कहेगा अगर एक शक्लें होंगे सब इनकार कर लेंगे ना अगर सबकी एक शक्ल इनकार मैं नहीं था उस वक्त हाँ फिर उस शक्ल से पहचान तू था दिस इज व्हाई ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट इन अपीयरेंस सो दैट ईच वन इज अकाउंटेबल फॉर हिज ओन डीड्स एंड एज फार एज हेवन एंड हेल इज कंसर्न्ड They'll be recognized by the image, by the appearance, and then God can say, "Oh, you did this." And a slight correction there that the animals actually do look alike. And for example, if you take a deer, all the deers resemble each other in appearance, but the human beings are different. इस वजह से different है ना कि तेरे जैसा वो नहीं है, उस जैसा वो नहीं है. Yes, God. And the reason is that you don't look like her, or you don't look like her. So each one is accountable for his own, his or herself. अगर जहन्नम ना होती ना तो सारे इंसान भी जानवरों की तरह एक ही शक्ल के होते ना. And if there was no hell, then all the human beings would look like each other. They resemble in appearance. How boring. क्या बोलते हैं? कैसा boring होता सब अगर सारे एक जैसे होते? मतलब मजा नहीं आता. Boring होती कर सारे एक जैसे होते. वो तो ये साहब किताब की वजह से है. So this is only to do with accountability. Do we also create our heaven and our own heaven and hell on this earth? By our actions. Yeah. So, हम अपने अमाल से भी अपनी जहन्नम या जन्नत इख्तियार कर लेते हैं दुनिया के अंदर कबूल करने वाला वो है ना कि अपनी तरफ से तो आदमी कोशिश करे अमाल अच्छे करे सरकार खासतौर पर इस दुनिया के अंदर अगर किसी को कोई तकलीफ या परेशानी है तो कुछ लोग कहते हैं यार यही हमारे लिए जहन्नम है तो क्या उनके अमाल की वजह से ये जो जहन्नम है ना इनके जिस्म का जहन्नम है वो जो जहन्नम है इनकी रूह का जहन्नम है इसका इफ समबडी फील्स दैट दे आर इन हेल ऑन अर्थ देन दैट्स रिलेटिंग टू द बॉडी फिजिकल बॉडी एंड द हेल व्हिच इज ऑन द इन द अदर रियल्म दैट्स द हेल इन व्हिच आवर सोल विल गो When a soul is in hell, say, can a soul at any time decide, like say a soul is in hell and suffering and has then comes repents, can it be taken out of hell? Can, in other words, does it still have the will to turn to God even when? So, कभी पूछे अगर एक रूह जो है जन्नत में चली जाए क्या उस वक्त भी उसको मौका मुयस्सर आ सकता है कि वो अच्छे काम करे या तौबा कर ले या अल्लाह की तरफ रगबत कर ले अच्छे काम तो इधर है ना उधर तो कोई फैसला No, that's the only possible in on this earth. Once you're in paradise, that's it. There's no turning to God or repenting. So, the only what Shahi said before is that the only ones that would go to hell is ones that absolutely refuse God's love. Is that?
पूछ रहे शायद जिन्होंने आपके गुफ्तगू से पहले समझा था कि जहन्नम में वही लोग जाएंगे जो बिल्कुल अल्लाह से जिन्होंने मुंह मोड़ लिया। हाँ वो भी जाएंगे जो जो काम अल्लाह को पसंद नहीं है वो करते हैं या गुस्ताखियां करते हैं वो लोग भी जाएंगे। Those people also and others who do not do the actions that God has ordained and also the people that blaspheme against God. Sometimes I've been angry with God from things that have happened to me in my life, and yet I don't feel that He's turning away from me. Is being angry with God the same as blaspheming? सवाल ये कह रही है कि कभी कभी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ियात हुए जिसकी वजह से मुझे अल्लाह पर गुस्सा आया और फिर भी मैंने देखा कि अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं है और अपनी तरफ से खींच रहा है और क्या मेरा अल्लाह पर गुस्सा करना ये गुस्ताखी है? गुस्ताखी है। यस ये तू नहीं करती है पर तू करती है तो उसकी तरफ क्यों जाती है उसकी तलाश में क्यों जाती है? यस सर वो तेरे अंदर वो जो नफ्स है वो करता है। सरकार सेइंग दैट दिस इज ब्लास्फेमी बट दिस इज नॉट द ब्लास्फेमी दैट यू डिड बिकॉज़ इफ यू डिड दिस ब्लास्फेमी then why would you still want to go towards God? It's something inside you, which is your ego, your nafs, yourself, which is of satanic nature. It is that blasphemes against God. Yeah. You feel that you are doing it, getting angry with God, but one should not get angry. ये अंदर कुछ मखलूकें होती हैं ना हर एक सिफ्त किसी के हवानी किसी की शैतानी ये सिफ्तें हैं। There are spiritual bodies inside your body, and they have attributes, and their nature is either spiritual, of good or of evil. तो फिर जो अल्लाह अल्लाह अंदर जाते हैं ना तो उनकी वो खत्म हो जाती है। इस कारण व्हेन अल्लाह अल्लाह कम्स इनसाइड यू द नेम ऑफ गॉड एंड हिज लाइट देन द नेचर एंड द एट्रीब्यूट्स दे पोजेस आर ऑफ गुड एंड गॉडली एंड द इविल डिसअपीयर्स। Yesterday, Shahi was telling the story about Lut. What about? About Lut and how yeah. He preached to the city and they wouldn't listen and he left. But then there was another story about the saint that went into a city and thought this city's terrible and it should, you know, disappear. Yeah. But then he discovered that there were people that were chanting the name of God. Yep. So I was wondering, because he was saying that San Francisco was going to be the first one to go. Sure. Well, what if there are people in San Francisco sure. who are chanting the name of God? So very funny that आपने कल रात तस्करा फरमाया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तो उनके अमल थे पर वो चले गए फिर शहर गर्क हो गया उनकी कौम फिर आपने तस्करा फरमाया था मुल्तान का जो वाक़ा था कि वो बुजुर्ग थे वो चले गए उन्होंने देखा कि शहर तबाह हो जाए फिर सुबह देखा कुछ अल्लाह वाले थे तो इसी तरीके से पूछे सरकार सैन फ्रांसिस्को जो गर्क होगा क्या उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह वाले होंगे या अल्लाह का नाम लेते होंगे तो इसकी वजह से वो बच नहीं जाएगा? हो सकता है उन्हीं की वजह से बचे होगा कुछ ऐसे लोग हों। जी सर इट मे बी द केस दैट अप टू डेट इट हैज बीन सेव्ड फॉर दोस दैट रीजन दैट देयर आर पीपल दैट विल चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड लेकिन जो उनकी आदत है ना वो तो अल्लाह को पसंद नहीं है। जी सर बट व्हाट द पीपल द इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट सिटी डू गॉड डज नॉट लाइक दैट। तो सर उस वक्त जब तबाही होगी तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो लोग अगर कुछ हुए तो वो निकल जाएंगे या उनको पहले ही चले जाएंगे क्या ऐसा होगा उनके साथ? जिनको अल्लाह बचाना चाहेगा ना जी सर वो तो किसी तरीके से निकल जाएंगे ना। And those people that God wishes to save, for example, in San Francisco, He will save them somehow. They will leave that place before the time comes. जिस तरह जब नूह अलैहि सलाम की किश्ती उसमें कुछ ही आदमी रहे ना बाकी घर वो नूह अलैहि सलाम के साथ चले गए। Just as Noah and his ark. Before destruction came, they boarded the ark and they all disappeared and then destruction followed their end. क्योंकि अल्लाह ने औरत बनाई ना मर्द के लिए। जी सर मर्द मर्द के लिए नहीं बनाया इसका because God created woman for man, it did not create man for man.
मर्द मर्द के साथ तो करता है, लेकिन यूरोप में औरतें भी औरतों के साथ करती हैं, बच्चों भी, उनके भी अलग ग्रुप है, अलग तंजीम है. लेस्बियंस लेस्बियंस सरकार 3 लाख मर्द मर्दों के साथ हैं सैन फ्रांसिस्को में और 4 लाख औरतें औरतों के साथ सैन फ्रांसिस्को. जी हाँ सरकार, सैन फ्रांसिस्को डेविस बर्ग तब तब हुई ना जब मर्दों ने उनका रुख छोड़ दिया था. उनकी आते देखते तो अब तुम्हारी बीवी तो मैं किसी लड़की के साथ देख ले तुमको पसंद करेगी नहीं. इसी तरह ना तो उन औरतों ने सुना या देखा ना तो उनको पसंद नहीं करती आपस में लग. बताया कि मैं एक फंक्शन में गई सर तो उधर एक लड़की को देखा तो मुझे वो पसंद आ गई तो बस मैं उसके साथ हो गया, मैंने सब चीज़ छोड़ दी. और वो बोले ये हवानी आते हैं. अच्छा, इस तरह हवानी एक दूसरे को चढ़ते हैं जी. ये हवानी आदत उभरी हुई है ना. अच्छा, हवानी आदत की वजह से दूसरे को चाटना चूटना हो उसकी वजह से होता है सर. अच्छा, वो गलब आ गई, फिर नफ्स गलब आ जाता है, शैतानी कलब आ जा रहा है. हवानी में जो है ना वो ज्यादा वर्किंग नहीं है, ज्यादा चाटना चूटना वो हवानी फितरत है. सही तो फिर चाटती चूटती होंगी और ये करती होंगी. बिल्कुल सही सर. My colleague just mentioned about the gays and the lesbians and the nature in people, and Sagar just elaborated on that, explaining that how from the inner self spiritually this nature has evolved, that many of the men are engaged in these activities and some of the women have disliked this, therefore they've turned against such men, and a certain very small percentage may have turned lesbians as a result of this reason. But the most important thing to understand is that we have what is inside us known as Ruhe Hewani, which is the animal spirit, the animal soul. And in addition to that, we also have the Nafs, the self or the ego, which is a spiritual body which resides at the navel point, which is then connected to Satan. And when these two natures within the physical body become completely overwhelming and they take over the heart, which is the dwelling place of God and the dwelling place of good, and goodness, then this nature you see becomes apparent in the physical form, whereby the human being behaves just like an animal. Mm. And just as the animal sort of, their nature is, they have no difference between brother and sister, or if you see a cat litter or dogs. In the same way, certain human beings, when their nature becomes so overwhelming, the animal nature, then they behave like this. They can either become gay or lesbian or whatever. It's the inner self, the animal soul and the nafs, which has taken over completely the heart and all the other goodness and the attributes of the other spiritual bodies. And the inner animal nature is expressed physically in this way. And that's actually the spiritual explanation of how, why this happens. What about, there are gay or lesbian people that have love for God in their heart? Right. So I'm asking, are there some people who are like, गलत फेल करते हैं लेकिन उनके दिलों के अंदर भी शायद अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है? यस, देयर आर मेनी. देयर आर मेनी गे एंड लेस्बियन पीपल हु हैव द लव ऑफ गॉड इन देयर हार्ट. क्योंकि उनकी एक जो ये मखलूक है ना उसमें अल्लाह की तरफ है, लेकिन ये शैतानी आवानी मखलूक है, गलब आ गई इसका, उसकी वजह से वो शैतानी करता है इसका. बिकॉज दे स्टिल हैव वन स्पिरिचुअल बॉडी इन नेक्स्ट टू द हार्ट व्हिच हैज गुडनेस और द लव ऑफ गॉड इनसाइड देम, बट बिकॉज द अदर स्पिरिचुअल बॉडी हैज बिकम सो स्ट्रांग एंड पावरफुल दैट इट्स एक्चुअली ओवरवेल्म्ड this spiritual body, therefore physically they behave in this way, but many still have that inclination towards God and His love. Wouldn't God then not judge them by their heart and not their actions? तो सगारी पूछ रहे हैं क्या फिर अल्लाह ताला उनकी नीयत को ना देखे और उनका फैसला. मैं बताता हूँ, फिर जब वो गुनाह करते हैं ना इसकी वजह से तो ये दिल उनका रो पछताते भी हैं, मलामत करते हैं काम से ये गलती क्यों हो गई. Then सरकार से तो those people when they commit the misdeeds and engage in their activities,
they also afterwards regret it. They feel a lot of regret in their hearts. Allah Ta'ala farmata mujhe wo log hi pasand hain jo gunahon ke upar malamat karte hain. Then God declares that I love those people also that after committing a misdeed that they regret it afterwards also. In logon ka koi nukta jo na unki bakhshish ka baas ban jata hai. And such people, they may have one intention or one factor, one element of this nature, meaning that they committed a misaction and then they regret it afterwards, that they feel remorse, then God may forgive them just for that one reason. What if they die with love in their heart for God and they never have reached that state of regret? सवारी पूछ रहे हैं कि अगर उनके दिल के अंदर अल्लाह की कुछ मोहब्बत है और उन्होंने मलामत नहीं हुई गुनाह करने के बाद और वो मर गए तो फिर उनके साथ क्या हाशिर होगा? नहीं, मलामत होती है. जिसमें है मोहब्बत है उसको ज़रूर मलामत होगी. That is not found. Actually, that person who has, you know, an iota of God's love in their heart, they will have remorse and regret. You know, even if it's at the time of death or even before death. A person who has a love of God in their heart, whatever misdeed they may have committed, they will have regret and remorse for it at some stage in their life. And it may be that one thing that God forgives everything for that thing. The thing that I can't understand about this whole point is I see people that are together in heterosexual relationships that don't have a purity of love and love for God, that sometimes people of the same sex, in other words, it's okay because they're male and female, and yet there may be two males or two females that truly love each other and that worship God, and yet this is not okay, but yet there's a male and female, and because they're opposite sex and don't even have maybe as much love for God, yep, it's okay just because... But the two things which you should not confuse, what is important to understand is that as far as the physical relationships are concerned, Sagara stated that God has ordained that there be man and woman. He created this relationship, not man and man or woman and woman. That's the first thing. God has created it this way and it's His will and wish of which we have no... we can't intervene or ask Him why He did this. It's His will. And the second thing is that as far as the individual's actions are concerned, the criteria is the love of God. If in a heterosexual relationship there is no love of God, it doesn't mean they will necessarily go to heaven. But in a lesbian or gay relationship, what Sagara is saying that if, say you have two gays, if in one of their hearts there is the love of God, then automatically that person will also have a regret, will have a remorse for his actions. Deep down inside them, their self, they will know that what they're doing is wrong. And as a result of that remorse, it may be, you know, it's so small that we can't imagine it, but it will exist because he has the love of God. The love of God and the remorse go hand in hand. So it may exist even though we won't know it between them and God. If there is the love of God, it will go hand in hand, the remorse will exist. And then what will happen, their entire life may have been spent in these actions, bad deeds, and they may have provoked God's anger. But just because they had one little bit of regret or remorse for what they did, God may just forgive them for that one reason. And the whole of the actions, like you said, the actions, it won't matter to God. But because He looks at the heart, they had that love and they had that remorse or regret for what they did before the sight of God, which in effect means that they feared God. He'll forgive them for just that one reason. That's how merciful He is. Even if they had no remorse, at least He'll have some feeling. The person may have some feeling that what I did was wrong. And God may forgive him for just for that one reason, which means that His mercy is mightier than His wrath. How does God demonstrate anger towards humans? So, I'm asking Allah Ta'ala, when God is angry, how does He show to humans? How does He destroy? It can be in any form. It can be in the form of destruction. Some illness, destruction on a small scale, large scale. Famine. And God does become angry with humans. Itni saza deta jitna bardasht karna. Iska He will only punish people or humanity as much as they can bear. To puchhe iska Allah Taala ko waqai gussa aata hai logo par, insani par. Wo Rahman bhi bahut hai. Iska is merciful also. Wo gussa bhi bahut hai. And He can become angry as well. Is there an explanation for all the
natural catastrophes that are befalling not just the United States, but all aspects of the world. the weather is chaotic, very changing. मैं पूछ रही हूँ दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुदरती तौर पर जो वक्त के साथ मौसम की तब्दीलियाँ आ रही हैं, ज़मीनें हिल रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, इसकी कोई वजह है इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, शुरुआत जो हो रही है? These are the signs of destruction which is due to come soon. These are signals. With so many signals, why is it not that more people are changing their behavior? So I'm saying that if these signs are visible, then people are changing their behavior. किरदार क्यों नहीं बदल रहे, अल्लाह की तरफ उनका रुख क्यों नहीं हो रहा है? तो जिनको अल्लाह चाह रहा है ना उनका रुख, अब तुम तो वो अल्लाह चाह रहा है ना, इधर आ रही हूँ, जिनको नहीं चाह रहा होगी those people that are God desires for that they should change and adopt this way, they are changing, like you have just come to us, or maybe you've been inclined towards God seeking his love. जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ना तो काफिर मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम काफिर को मार रहे थे, तो वो एक लाल किला, वहाँ बहुत से लोग जो थे ना वहाँ जमा थे, अब पता नहीं था कि यहाँ से निकलेंगे तो कौन मर जाएगा कौन बच जाएगा. जी सर, बताए. नाउ व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर वाज पार्टीशन एंड देयर मेनी मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स फाइटिंग ईच अदर एंड किलिंग एंड देयर वाज द रेड फोर्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड इन दैट फोर्ट एंड देन दे थॉट दैट व्होमसेवर लीव्स द फोर्ट वी डोंट नो हु इज गोना सर्वाइव एंड हु वोंट सर्वाइव. उसमें कुछ लोग थे ना तो जो तौबा तायब कर रहे थे, रो रहे थे, तो कुछ लोग याशियों लगे हुए थे. And then at the same time there were some people that were crying and asking for forgiveness and they were fearful of their lives and some people were still engaged and enjoying themselves. This is nature and each person's nature and each person's destiny and fortune. That whilst a catastrophe is hanging over our head, some people will still be enjoying themselves and other people will sort of take heed and start to cry and ask for forgiveness and sort of look for that refuge. मकसद है ये सारी बातें जो ना इनसे इख्तलाफ भी बन सकता है. इस चीज़ को पकड़ लें, जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है बस खुद को ख़त्म कर दें. So God is saying that all the discussion and debate and the theory in the world, what we have, there could be disagreement with that, but just take hold of the heart, and this is the path towards God, and this is how you become connected, and you'll achieve something. ये ज़्यादा बेहतर है. इसका this is the best thing. कि किसी झगड़े में नहीं पड़े बस. इसका that one should not engage in any discussion or disagreement. Just take hold of the heart and chant the name, and then your vehicle will be moving towards God. शैतान ने क्या किया, लोगों से छुड़वा के झगड़ा में लगा दिया. इसका व्हाट सैटन हैज डन इज टेकन पीपल्स माइंड्स अवे फ्रॉम द हार्ट एंड फोकसिंग ऑन इट एंड जस्ट मेड देम आर्ग्यू अमंगस्ट ईच अदर एंड फाइट एंड किल ईच अदर. मजो वाले दूसरे मजो से लड़े, वाले मजो वाले अपने में अपने मजो से लड़े. इसका ऑल द रिलीजियंस आर फाइटिंग ईच अदर एंड इवन वन पीपल अमंगस्ट ईच रिलीजन द सेम रिलीजन दे आर किलिंग ईच अदर. तो शैतान का मकसद यही लड़ते लड़ते रहे अल्लाह को ना पहुंचे. इसका दिस इज द इंटेंशन ऑफ सैटन that all people should just argue amongst each other and fight and forget about God. So they can't get to God. To yahi wajah hai log us masoom mein lag gaye, usko bhool gaye. Iska this is the reason that people are fighting amongst each other now and they've forgotten about the heart and the essence of God. Jinhone usko pa liya woh in jhagdon mein nahi padte. Iska those people that have found this, they found the heart and they're chanting and found God, they've got nothing to do with arguments and debates. Woh kehte hain Allah hi kafi hai bas. Iska they say God is enough for us. Shall he have any advice like when
the lower nature of man, the ego, comes in and maybe tries to get our thoughts or our emotions. I chant Allah to try to redirect to prevent that. Yeah. Is there any other? Is that what we should handle that? Yeah. तो कहीं पूछ रहे हैं कि जब अल्लाह करें अगर कोई वसवसे आए या शैतान हमारा ख्याल कहीं और ले जाना चाहे तो उसको कैसे हैंडल करें? जब अल्लाह करेगी ना तो और ज़्यादा वसवसे आएंगे इसको, पहले से भी ज़्यादा. इसका सकार saying that when you start doing Allah Allah, actually Satan or your ego will give you more diversions and make you think more against it or make your mind wander more than before. क्योंकि वो रोकने की कोशिश करेगा कि उधर ना जाए. इसका because Satan will prevent you from going onto this path and going towards God. इतनी होगा कि पहले जो वसवसे आते थे ना दिल में बैठ जाते थे, अब जो वसवसे आएंगे ना अल्लाह उनको बाहर निकाल देगी. And initially, before you started doing Allah Allah, what thoughts and doubts you had used to remain in your heart. But what will happen with them now? Because you're chanting inside, whatever doubts and thoughts come into your mind, they won't actually stay, find a place in your heart. They'll disappear because of the Allah Allah you're doing inside. They will come and go. फिर वो इंसान के अंदर तकबर भी आता है, हिरस भी होती है, असद भी होती है, फिर अल्लाह अल्लाह सब काटता जाता है. ह्यूमन बीइंग इन द चेस्ट दे हैव अरोगेंस एंड जेलसी एंड कवेटनेस एंड ऑल दीस अदर स्पिरिचुअल डिजीजेस एंड बिकॉज़ ऑफ द अल्लाह अल्लाह इनसाइड एंड द लाइट दैट्स क्रिएटेड स्लोली एंड स्टडीली डिसअपीयर स्टार्ट टू फेड अवे. फिर वो बंदा आजिज हो जाता है. इसका अंदर पर्सन एंड स्लोली बट श्योरली बिकम्स हम्बल. तो फिर अल्लाह ताला को आजिज पसंद है. गॉड लव्स दोस दैट आर हम्बल. And is it all those diseases, spiritual diseases, that are manifesting the physical diseases then? I'm sorry? All those spiritual diseases are what are manifesting in physical diseases. You mean the spiritual diseases we have inside? How they manifest? That's what they do, then they're manifesting as physical diseases. And so the more that we... No, not as such. There's different... Yeah, physical and spiritual diseases are different, but like we have arrogance and anger inside. They are the spiritual diseases which we have, which physically manifest like we become angry. So unnecessarily, that is a disease we have inside. But what Sarkar is saying, because each disease is connected to a spiritual body, five in the chest, by doing Allah Allah inside, and the light that is created, they become purified, it becomes lesser and lesser and lesser, eventually to the point that you become very humble. So why, if someone, when someone is purified spiritually, why do they and sometimes get physical diseases? Would not that protect their physical so body also? पूछ रहे हैं अगर वो बातें जो बीमारियां हैं अगर पता पाकिजगी हासिल हो जाए और बीमारियां वो कम हो जाए और आदमी आजिज हो जाए पर जिस्मानी बीमारी उस आदमी को क्यों लग सकती है या नहीं लगती है तो क्यों? लेकिन जिस्मानी बीमारी का तल्लक तो जरासीमों से है, ग्रही जरासीमों से है. The physical ailments we have, that's something to do with the physical world and the bacteria inside, not the spiritual. The two are separate. It doesn't mean that somebody who is very spiritual and enlightened he's got a physical illness because of he's got a spiritual illness. The two are very separate. It could be for some other reason. Which means it's not absolutely necessary that you're spiritually purified and that you can never physically get ill. You could have the flu or no, some other physical illness. Yeah, कि जब उसको जहरी बीमारी लगेगी ना तो चीखे चलाएगा ना हाय हू. जी सर. तो अगर वो अंदर अल्लाह ला होगा ना तो फिर जब उसको तकलीफ होगा तो चीखे चलाएगा नहीं अल्लाह ले करेगा. जी सर. So saying that when you have a physical illness, you'll be screaming and crying and doing all the other things. But when you have Allah Allah inside you, when you and then have a physical illness, then you won't be screaming and crying and getting upset. You'll do Allah Allah even more. Chant the name of the God even more. That'll help.
इजाज़त है तो एक सवाल पूछूं। जिस्मानी बीमारियाँ या दुनिया के जो भी आफात मुसीबतें हैं, एक तो इम्तिहान हो सकता है, अल्लाह ताला इम्तिहान से गुजार रहे हैं, और दूसरा सज़ा भी हो सकती है। सज़ा जब हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ रूहानी बीमारियाँ या सिफात अच्छे नहीं है, तो इस लिहाज से रूहानी चीज़ों का जिस्मानी बीमारियों से ताल्लुक हो गया। मतलब ये कि बुरे आमाल रूहानी बीमारियों का मजहर हैं, वो गुनाहों से बीमारी नहीं लगी जी। अगर गुनाहों से बीमारी लग जाए जिस्म को तो कोई गुनाह करे ही नहीं, गुनाहों की वजह से बीमारी लगा दी है। नहीं समझे, अगर उसको सजा देनी थी तो उसको बीमारी लगा दी है, अगर सजा नहीं देनी थी सारी उम्र गुनाह करता रहता कुछ भी होता। Because the question my colleague asked represents your question in a sort of maybe different way, that if we have a spiritual disease or if we have a spiritual ailment, or for example we commit some misdeeds, then does our physical disease, is it linked to that or is it a cause of that? And Sagar replied that to some extent it is, in that we have committed bad deeds and it may not be necessary that we have a physical illness as a result of them directly, mm-hmm. but in some cases it may be the fact that God has punished us for some of our misdeeds by giving us a physical illness. So it sounds like some cases it is and some it yes, isn't. Yes. Yeah. कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा है कि उन्होंने गुनाह किया तो अल्लाह ने बीमारी लगा दी। लेकिन गुनाह से बीमारी नहीं लगती। लेकिन गुनाह करने से नहीं। गुनाह करने से नहीं। उसको लगाएगी। लगाएगी। That you actually won't have a physical illness just because you've committed a bad deed, but God may give you a physical illness because you've committed a bad deed, just to wipe it clean.